नमस्कार सर। आज हम रायसेन जिला केवीके में आए हैं और डॉक्टर स्वप्निल, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के हेड हैं और सीनियर साइंटिस्ट आपका डिसिप्लिन सर एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के हैं, और हम डॉक्टर बिल्कुल प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट प्लांट प्रोटेक्शन है। इस समय हम NRC 142 के प्लॉट में खड़े हैं जो उन्होंने लगाया है। सर, मेरे आपसे एक दो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जैसे ही भोपाल से आपके कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ आ रहा था तो रास्ते में बहुत कम सोयाबीन हमें नज़र आ रहा था, हमें धान ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो ये धान कैसे रिप्लेस सोयाबीन को कर गया इतने पिछले कुछ सालों में? कितना एरिया है, थोड़ा हमें बताएंगे इस पे? पहले हमारे जो फसल चक्र था सर, सोयाबीन गेहूं चना का हुआ करता था, पर पिछले 8-10 सालों से जो लगातार सोयाबीन में दिक्कतें आई, येलो मोज़ेक का प्रकोप आया, खरपतवारों का प्रकोप आया, स्टेम फ्लाई का प्रकोप आया, गर्डल बीटल का प्रकोप आया, तो इन सब चारकोल रॉट का भी कहेंगे प्रकोप आया, तो इन सब कारणों से धीरे धीरे हमारा एरिया खरीफ में जो लगभग 2,75,000 हेक्टेयर सोयाबीन का हुआ करता था, वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर हमारा धान में हो गया। तो पूरा का पूरा धान में हो गया 2,75,000? जी, इस समय लगभग 3,00,000 हेक्टेयर में हमारा जो है धान लगी हुई है सर। उसके बाद सोयाबीन कितने में लगी? सोयाबीन लगभग 40,000 से 45,000 हेक्टेयर में लग गया। तो साढ़े तीन लाख हेक्टेयर टोटल बताया। थोड़ा बहुत हमारा मक्का लगा हुआ है सर, 10-15 हज़ार में मक्का लगा हुआ है, 15-20 हज़ार में हमारी उड़द की फसल लगी हुई है। तो ये आपको जो सोयाबीन की नई नई किस्में आई हैं, थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आपके केवीके पे ये सभी किस्में लगा रखी हैं, जैसे हमारे केंद्र की, हमारे संस्थान से जो वेराइटीज़ निकली है वो भी, और जबलपुर जेनियन केवी से जो वेराइटीज़ रिलीज हुई हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इनमें क्या आपको पोटेंशियल लग रहा है फिर से किसानों का कि सोयाबीन में विश्वास आएगा? पिछले 2 सालों से हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है सर कि सोयाबीन को धीरे धीरे हम वापस जो है चेंज कर पाएंगे, धान से सोयाबीन पे हम आ पाएंगे। उसकी वजह है सर, जैसे NRC 138, इस साल भी हमारे जो क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन थे, 80 हेक्टेयर में 200 डेमोन्स्ट्रेशन, वो सभी हमने लगभग 150 डेमोन्स्ट्रेशन जो है NRC 138 में नहीं। डाले तो हुए। उसमें क्या पीला मुझे नजर आया जो आपको इस एरिया में नजर आया? बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो बहुत सहनशील है। 8 से 10% जो है कहीं कहीं हमको मोजेक की जो है समस्या आई है सर, और अच्छा। बाकी समय जो है फ्रूटिंग अच्छा आया है, फ्लावरिंग अच्छा आया हुआ है और फसल बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ। पिछले लगभग 4-5 साल मतलब जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आपने NRC 138 के दिए हैं, ये NRC 142 और NRC 150 भी जो लगी हुई है, इसका आप पोटेंशियल कैसा पा रहे हैं? हमने कुछ किसान भाइयों के खेत विजिट किए अभी, जहाँ NRC 142 लगी, तो उसका कुछ परफॉर्मेंस हमें अच्छा लग रहा है यहाँ इस एरिया में, ज़्यादा नमी वाले में। आपने भी, आपके स्टाफ ने, डॉक्टर द्विवेदी जी ने, इन्होंने भी विजिट किए होंगे, तो कैसा है NRC 142 जिन किसान भाई उनके पास है जो लगा रहे हैं, कैसा? NRC 142 भी बहुत अच्छी वैरायटी है सर, और इसका इस साल भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है प्लांट हाइट बहुत अच्छी आई है, नंबर ऑफ पॉट्स बहुत अच्छे आए, और जिसका हेयरी स्ट्रक्चर है पूरा पौधे में जो हेयर्स हैं, तो उसकी वजह से गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई का अटैक बहुत कम है या ना के बराबर है। हाँ, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि NRC 142 की कुछ हाइट कम रह गई है, उसका रीजन मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि यहाँ वाटर लॉगिंग वाला इलाका है, जी सर, कि पानी रुकता है, पहाड़ी से पानी आता है ढलान पे इस तरफ, लेकिन फिर भी जो है ये फलियों से भरपूर ही है। अभी जो कृषक भाइयों के फील्ड जो हम विजिट कर रहे थे, वहाँ जो वार्तालाप चला कृषकों से, कि वो कहीं ठीक है उनका सोयाबीन के प्रति उदासीन हुए, जो उनके पास वो वेराइटीज़ का बीज सीड नहीं पहुँच पाया जिनमें बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस सहने की क्षमता है, और लेकिन वो फिर से कुछ कृषक भाई धान से सोयाबीन की तरफ झुक रहे हैं, उनका रुझान है, तो इसका क्या कारण पा रहे हैं कि आप उनको धान में क्या ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई वाटर टेबल की प्रॉब्लम, या क्या एग्जैक्टली लग रहा है? धान में थोड़ी दिक्कतें ये आ रही कि लगातार 8-10 सालों से एक ही क्रॉपिंग पैटर्न हो गया है, धान के बाद गेहूँ,
तो एक ही फसल चक्र का उपयोग हो रहा है, धान भी जो है पोटेंशियल वाली क्रॉप है, गेहूँ भी पोटेंशियल वाली क्रॉप है, और दूसरा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आना ज़्यादा शुरू हो गया है। जो हमारी प्रिवेलिंग वेराइटियाँ जो अभी लग रही हैं, एग्जिस्टिंग वेराइटियाँ लग रही हैं, उसमें जैसे PB1 है, पूसा 1121 है, 1460 है, तो इसमें हमको 2-3 समस्याएं आना शुरू हो गई हैं, जिसमें हमको BLB आ रहा है, जीवाणु पत्ती झुलसा का काफ़ी अटैक आ रहा है, इसके साथ ही हमको जो है शीत ब्लाइट का जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और दूसरा लागत ज़्यादा आ रही है सर। लगभग धान की खेती में 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा आ रहा है, और धान का रेट इतना निश्चित नहीं है कि लगभग 3,000 या इससे ज़्यादा मिलेगा। यदि धान का रेट कम हो जाता है, सुगंधित धान का पूरा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर है, यदि वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर धान का रेट अच्छा होगा, तो यदि धान का रेट कम हो जाता है तो निश्चित ही हमारे फार्मर को एक फिर नया विकल्प देखना पड़ेगा, या तो वो मक्का पर जाएँ या सोयाबीन पर जाएँ। तो सोयाबीन पर जाए, तो सोयाबीन की जो ये नई नई वेराइटीज़ हैं, इनका सीड जो है, बीज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, ये NRC 142 या NRC 138, 150 जैसे कुछ किसानों के यहाँ लगी है, उनको इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो आशा करते हैं कि फिर से सोयाबीन अपनी जगह ले। और बाकी तो कृषक को जो उसको स्वयं लगता है कि क्या उसके फ़ायदे की फसल है, धान है या सोयाबीन है, तो वो सही निर्णय लेंगे। और इसी आशा के साथ कुछ कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कृषक भाइयों के लिए या हम सब के लिए? कृषक भाइयों के लिए यही मैसेज है कि सोयाबीन यदि हमको करना है तो जो उन्नत किस्में आ रही हैं उन्हीं के साथ हमको जाना है, जैसे NRC 130, 138, 142, 150 और अपने जवाहर सोयाबीन की जैसे 2172 आ रही है, वो भी बहुत अच्छी किस्म परफॉर्म कर रही है, 2094, तो उन्नत किस्मों के साथ और पूरे कंप्लीट पैकेज के साथ यदि हम जाएंगे, क्योंकि येलो मोजेक जो लास्ट में आता है उसका मेन जो है हमारा बीज उपचार है, यदि हमारा थायोमिथाक्जाम 30 FS से बीज उपचार हो जाता है या मीडा क्लोपर 48 FS हो जाता है, तो शुरुआत के 30-40 दिन तक हम उसको पीला मोजेक से फ्री कर पाते हैं, वहीं से हमारा जो है बहुत अच्छा जो है प्रबंधन शुरू हो जाएगा। और बीज दर पर आप कुछ? हाँ, बीज दर भी सर थोड़ा यहाँ पे क्या 9 और 12 इंच पे ज़्यादा सोइंग होती है, तो उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह 14 और 16 इंच पे या 18 इंच पे हमारे किसान आ जाएं और कतार से कतार की दूरी को बढ़ा लें, तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा जो है बेटर मैनेजमेंट हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आप सबने हमें समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू।